माई डियर स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं क्लास नाइन्थ की फर्स्ट पोयम द रोड नॉट टेकन द रोड वह रास्ता जिसे चूज नहीं किया गया द रोड नॉट टेकन वह रास्ता जिसे पसंद नहीं किया गया वह रास्ता जिस पर हम लोग चले नहीं आइए शुरुआत करते हैं अबाउट द पोएट सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं रॉबर्ट फराश साहब की बहुत अच्छे कवि बड़े दिलचस्प कवि जिनकी भूर भूर प्रशंसा की गई हमारे देश में हमारे देश के बड़े बड़े लोग हमारे देश के बड़े बड़े विद्वानों ने फ्राश साहब की प्रशंसा की इनके कविताओं की प्रशंसा की क्या कारण है जानते हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी लिखा ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखा ग्रामीण परिवेश का यथार्थ चित्रण किया रॉबर्ट फास्ट साहब ने शुरुआत करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी यहाँ है इसको ले लेते हैं इसके बाद हम पोएम की तरफ चलते हैं और ध्यान रखें यह पोयम आपके जीवन के लिए बहुत लाभप्रद होगी क्योंकि अब आपको कैरियर के रास्ते चुनने हैं अभी तक आपने बहुत सारे गलियों और सड़कों पर यात्रा कर लिया लेकिन अब आपको अपने जीवन के कैरियर की शुरुआत करनी कैरियर का चुनाव करना है इसके लिए इस पोयम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट 26 मार्च 1874 टू 29 जनवरी 1963 मींस मेरा ख्याल है 74 टू 1963 लगभग 90 वर्ष का समय फ्रॉस्ट साहब ने बिताया वाज एन अमेरिकन पोएट अमेरिका के कवि थे ही इज हाईली रिगार्डेड, इन्हें बहुत अधिक माना जाता था सम्मान दिया जाता था फॉर रियलिस्टिक डिपिक्शंस ऑफ रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण पर ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण के लिए इन्हें बहुत अधिक माना जाता था देखा आपको मैंने बताया ना ग्रामीण जीवन के यथार्थवादी चित्रण अगर किसी ने अच्छे ढंग से किया है तो एक अमेरिकन पोएट फ्रास्ट साहब ने किया है हिज वर्क्स फ्रीक्वेंटली एम्प्लॉयड सेटिंग फ्रॉम रूरल लाइफ इन न्यू इंग्लैंड इन द अर्ली 20th सेंचुरी 20वीं शताब्दी की शुरुआत में इंग्लैंड में उनके कार्यों को अक्सर ग्रामीण जीवन से नियोजित किया गया एम्प्लॉयड सेटिंग ग्रामीण जीवन से रूरल लाइफ ग्रामीण जीवन से नियोजित किया गया फ्रास्ट साहब के कार्यों को 20वीं शताब्दी की शुरुआत से न्यू इंग्लैंड में ग्रामीण जीवन से नियोजित किया गया कि ग्रामीण परिवेश पर लिखे जाने वाले श्रेष्ठ कवियों में से नाम किसी का आता है तो फरास्ट साहब का है ही यूज देम मीन्स फर्स्ट साहब ने उनका प्रयोग किया किसका प्रयोग किया उन ग्रामीण जीवन पर लिखे जाने वाली अपनी कविताओं को अथवा ग्रामीण जीवन के चित्रण का प्रयोग किया टू एग्जामिन कंप्लेक्स सोशल एंड फिलोसफिकल थीम्स उन्होंने उन्हें जटिल सामाजिक और दार्शनिक विषयों की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया कंप्लेक्स सोशल जटिल सामाजिक एंड फिलोसफिकल थीम्स और दार्शनिक विषयों की टू एग्जामिन जांच करने के लिए इनका प्रयोग किया इन्हें लिखा ही रिसीव्ड फोर पुलजर प्राइजेज फॉर पोएट्री उन्हें उनकी कविता के लिए साहब चार पुलित्जर पुरस्कार दिया गया एंड वाज अवार्डेड और उन्हें नवाजा गया द कांग्रेसनल गोल्ड मेडल कांग्रेस द्वारा स्वर्ण पदक से इन 1960 1960 में फरीज पोइटिकल वर्क्स इनके काव्य कार्यों पोएटिकल वर्क्स इनके काव्य के कार्यों के लिए 1960 में कांग्रेस द्वारा गोल्ड मेडल से भी नवाजा गया बड़े ही महान कवि हैं और इन्होंने इस कविता को कंपोज किया है तो हमें अवश्य पढ़ना चाहिए अगर इतने महान व्यक्ति की बात में कुछ न कुछ तो दम होगा साहब इतने महान व्यक्ति की कविता इतने महान व्यक्ति के लेख के व्यक्तित्व में इतनी बड़ी ताकत होगी कि हमें हमारे जीवन का सही आदर्श दे सकें तो शुरुआत करते हैं हम फ्रास्ट साहब के उस कविता की जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन वह रास्ता जिस पर चले नहीं बिफोर यू रीड इसको पढ़ने से पहले आप इसे पढ़ें दिस बिल नान पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस

उस समय की नीति या जब हम चूज करते हैं रास्ते को वह वक्त दैट सेपस हमें संवारता है हमारे जीवन को आकार प्रदान करता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट एन अमेरिकन पोएट अमेरिका के कवि हैं हु राइट सिंपली बट इनसाइटफुली ये बहुत ही साधारण लिखते हैं बहुत ही साधारण लिखते हैं बट इन साइड फुली अबाउट कम ऑन ऑर्डरिंग एक्सपीरियंस लेकिन इनकी कविता में इनकी बातों में बहुत ही सामान्य और विशेष प्रकार की अनुभव जुड़े होते हैं इनकी कविताओं में विशेष अनुभव है तो आइए शुरुआत करते हैं हम इनकी उस कविता को जिसको हमें पढ़ना है जिसका नाम है द रोड नाट टेकन वह रास्ता जिस पर चला नहीं गया पोएट साहब किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से जीवन के दो रास्तों की शुरुआत होती है उस रास्तों को इन्होंने एक जंगल से लिया और फिर एक कविता की रचना की देखें टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड दो रास्ते डाइवर्ज भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर जाते हैं इन एलोवुड एक पीले से जंगल में यहाँ पीले जंगल का मतलब आप समझ रहे हैं पतझड़ के मौसम में प्रायः सारे जंगल पीले हो जाते हैं पत्तियाँ सूख जाती हैं पीले रंग के दिखने लगते हैं एंड सारी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ खेद है मुझे एंड सॉरी मुझे खेद है कि मैं दोनों रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति दो रास्तों पर यात्रा नहीं कर सका आपके भी जीवन में हर किसी के जीवन में जब करियर की शुरुआत होती है तो दो रास्ते नजर आते हैं सब अब चलना किस पर है यह डिसाइड आपको करना फर्स्ट साहब ने लिखा टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूट एंड बी वन ट्रेवलर एक का यात्री बनना था मुझे लॉन्ग आई स्टूट देर तक में खड़ा रहा कभी कहता है कि मेरे सामने दो रास्ते थे एक पीले पीले रंग का जंगल था पतझड़ भरा वहां जब मैं पहुंचा तो मेरे सामने दो रास्ते थे अब मैं दोनों पर तो यात्रा कर नहीं सकता साहब मुझे एक का यात्री बनना था और मैं वहां देर तक खड़ा रहा एंड लुक डाउन वन एच फार एज आई कुड और मैं देखता रहा एक रास्ते को एज फर एज आई कुड जहां तक मैं देख सकता था जहां तक मैं देख सकता था वहां तक मैं उस रास्ते को देखता रहा कह रहे हैं टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ टू वेयर जहां पर इट बेंट वो रास्ता मुड़ जाता था इन द अंडर ग्रोथ पतझड़ और घास फूस से ओझल होते हुए घास फूस और पतझड़ की टहनियों से ओझल होते हुए रास्ता जहां से मुड़ जाता था वहां तक मुझे दिखाई पड़ता था वहां तक मैं उसको देखता रहा खड़े होकर फिर से देखें टू रोड्स ड्राइवर इन ए येलो वुड एंड वॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू कुयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ दो रास्ते निकलते हैं एक जंगल से दो दिशाओं में एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ मैं दोनों पर यात्रा नहीं कर सका एंड बी वन ट्रेवलर एक का यात्री बना लॉन्ग आई स्टूड और लंबे समय तक मैं वहां खड़ा रहा एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड एक को मैंने देखा जहां तक मैं देख सकता था टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ जहां पर जाकर वह बेंट मुड़ जाता था रास्ता द अंडर ग्रोथ घास फूस और झाड़ियों से ढकते हुए वहां तक मैं उसको खड़े होकर देखता रहा देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर फिर मैंने दूसरे को देखा दूसरे को अख्तियार किया जस्ट एज फेयर वो भी उसी तरह का था एंड हैविंग पर बेटर क्लेम और वो भी एक सही रास्ता होने का दावा कर रहा था बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर दाव एच फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ऑन देम रियली बट द सेम सेकेंड निश्चिंजा देखें देन टुक द अदर जस्ट एच फेयर अब मैंने दूसरे रास्ते की ओर निहारा जस्ट एज फेयर वो भी उसी तरह से फेयर था एंड हैविंग पर हैप्स द बेटर क्लेम वो भी अच्छा होने का दावा कर रहा था रास्ता बिकॉज क्योंकि इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर वो घास फूस से थोड़ा सा भरा हुआ था उस रास्ते पर घास फूस थी अब आपको पता होगा कि दो रास्ते हों जिस रास्ते पर लोग बहुत अधिक चलते हैं साहब उसकी घासें सिकुड़ जाती हैं मर जाती हैं वहाँ घासें नहीं रह जाती लेकिन जिस रास्ते पर लोग कम चलते हैं आप देखे होंगे किसी जंगल के रास्ते को या किसी खेत खलिहान के रास्ते को आप देखें जिस पर लोग नहीं चलते हैं तो उस पर घासें उगाती हैं कह रहे हैं ग्रेसी वो घास युक्त थे एंड वांटेड वियर और ऐसा लग रहा था जैसे उसको वॉन्टेड बियर मींस नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम लंबे समय से इसका उपयोग नहीं किया गया वॉन्टेड बियर लंबे समय से इस पर चला नहीं गया ऐसा रास्ता था दो एज फॉर डेट द पासिंग बेयर हैड ऑन देम रियली अबाउट द सेम यद्यप जो लोग वहां से गुजर रहे थे जो लोग वहां से उस पर भी से भी गए थे हैड ऑन देन रियली अबाउट द सेम ऐसा लग रहा था कि यह भी उसी तरह का रास्ता है इस पर से भी लोग गए हैं लेकिन लोग कम गए हैं इस पर से दो रास्ते एक पर तो बहुत लोगों की भीड़ थी उस पर सभी चले जा रहे थे भीड़ की चाल थी एक के पीछे एक चला जा रहा था लेकिन दूसरे वाले रास्ते पर बहुत ही कम लोग चले हुए थे लेकिन फिर भी वो उसी तरह का दिख रहा था बस इतना था कि उस पर घास फूस अधिक थी और उस रास्ते पर कम लोग चले हुए थे अगला स्टेंजा देखें एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले और ये दोनों रास्ते जो हमारे सामने हैं हमें चूज करना है कि एक पर से चलना है इक्वली ले इन लीव्स नो इस्टे फैड ट्रोड एंड ब्लैक ये ले इन लीव्स पत्तियों से ढके हुए थे नो इस फैड ट्रोड एंड ब्लैक और इन पत्तियों को पैरों से रौंदा नहीं गया था साहब ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे कभी सोचता है कि मैं एक पर तो चलूंगा दूसरे पर कैब कब चलूंगा उन्होंने कहा नहीं मैं कभी बाद में इस दूसरे वाले रास्ते पर चल लूंगा एट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे एट नोविंग यह जानते हुए भी हाउ वे लीड्स ऑन द वे कितनी चुनौतियां होंगी इस पर मेरे लिए इस रास्ते पर मेरे लिए कितनी चुनौतियां होंगी कितनी कठिनाइयों का मुझे सामना करना होगा आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक कोई बात नहीं फिर भी मैं जब भी कभी यहाँ वापस आऊँगा हालाँकि मुझे संदेह है आई डाउटेड मैं सशंकित हुआ यदि मैं आया वापस तो मैं फिर से इस रास्ते पर दोबारा चल लूंगा एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीब्स नो स्टेप ब्लैक वो दोनों रास्तों पर उस सुबह के समय पत्तियाँ भरी हुई थी और उन्हें पैरों से रौंदा नहीं गया था ओ हाई दैट फर्स्ट फॉर एंड डे इस वाले रास्ते पर पहले वाले रास्ते पर मैं बाद में किसी और दिन चल लूंगा एट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन द वे इस रास्ते पर मुझे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा यह पता है आई डाउट एडिफाई शू एवर कम बैक मुझे संदेह है जब भी मैं कभी वापस आऊँगा अगर वापस आया तो मैं इस पर यात्रा कर लूँगा मैं एक रास्ते को अख्तियार करके चल दिया आगे देखें साहब आई सेल बी टेलिंग दिस विथ साय मैं बड़े आराम से आपको इसे बताऊँगा समवेयर एज एज एंड एज एज हैंस युगो युगान्तर के बाद टू रोड्स डाइवर्स इन अ वुड एक जंगल में दो रास्ते विभाजित होते हैं एंड आई और मैं आई टूक वन लेस ट्रेवल्ड बाय लेस ट्रेवल्ड बाय मैंने उस रास्ते को अख्तियार किया जो कि लेस ट्रेवल्ड बाय जिस पर बहुत कम लोग चले थे फ्राष्ट्र साहब ने कविता लिखने वाले रास्ते को अख्तियार किया साहब साफ साफ आप समझ रहे होंगे इस पर बहुत कम लोग चले आपने देखा नहीं आपके सामने भीड़ क्लास में क्लास में भीड़ देखा आपकी एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं लेकिन आगे चलकर इसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे रास्तों पर चल पाते हैं किसी न किसी कारण से अगर उनके रास्ते बदल गए वो गलत रास्ते पर चले गए तो ये सफलता तक नहीं पहुंच पाते अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते सफलता अर्जित करने में उन्हें कठिनाइयाँ होती हैं कभी कभी तो ऐसा होता है कि वे असफल हो जाते हैं इन्होंने कहा कि आई टुक दैट मैंने उस रास्ते को अख्तियार किया वन लेस ट्रवेल्ड बाय जिस पर बहुत कम लोग चले थे एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस और इतना ही नहीं साहब उसने हैज मेड ऑल द डिफरेंसेस और उस रास्ते पर बहुत सारे अंतर मिले बहुत सारे परिवर्तन थे यानी उस रास्ते पर कम लोग चले थे ना तो ध्यान रखें बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जिस पर बहुत कम लोग चलते हैं आप भेड़ की चाल को फॉलो ना करिए आप रास्ते को चूज करिए और उस रास्ते पर चलने का प्रयास करिए जब आप रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर से आप सफल होंगे बस सिर्फ ये है कि रास्ते सही होने चाहिए उस पर विचार करके शुरुआत करें क्योंकि जाकर वापस आना फिर दूसरे रास्ते को पकड़ना जीवन को नष्ट कर देने के बराबर है जीवन को अगर बनाना है तो रास्ते को पहले चूज करो फिर उस पर चलो उस पर चलकर रास्ते को देखकर वापस आओ दूसरे से जाओ यह जीवन को ख़त्म करने जीवन को समाप्त करने के बराबर है तो ये आपकी पोयम फ्रास्ट साहब ने जो लिखी जिसको कंपोज किया उन्होंने आपको मॉरल देती है कि अपने जीवन के रास्ते को पहले चूज करें फिर उस पर चलें ऐसा ना हो आप भूल से किसी गलत रास्ते पर चले जाएं, आपको तलाश किसी और रास्ते की थी पहले तलाश लें विचार कर लें फिर आप उस रास्ते को अख्तियार करें थैंक यू वेरी मच